नमस्कार, जय हिंद। आज एक प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ने कुछ मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स और बल्कि फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल अपोनेंट्स और उसके साथ साथ कुछ शरारती जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इनके साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के तहत आज एक अखबार में एक न्यूज़ कैरी की है, नमक मिर्च और मिसाला लगा के पूरा, और मुझे रोशनी स्कीम का बेनिफिशियरी बताया गया है। मैं पहले चरम में बता दूं आपको कि मैं और मेरा जो एग्जिस्टिंग अभी फैमिली ट्री है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी बहन और मैं, हम चार लोगों के नाम एक इंच भी रोशनी के तहत मुटेट की गई जमीन ना ही हमारे कब्जा में और ना ही हमारे नाम कोई इंतकाल या गिरदावरी ऐसी है। दूसरा, ये जो जिस तरीके से इसे सोशल मीडिया पे और बाकी चैनल्स पे वायरल करके एक 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 कोशिश की जा रही है कल के चुनाव में एक नया न्यूज बनाने की, नया एक मुद्दा बनाने की, मैं बता दूं कि मैं मानहानि का मुकदमा 50-1 लाख रुपया क्लेम करने वाला हूं इन सभी शरारती लोगों से। और कृपा करके आप भी टिप्पणी करने से पहले सोच लें कि किसी फाल्स, किसी फेक, किसी पेड न्यूज में उसको ट्रांसलेट या प्रोपेगेट करने का आप भी कहीं माध्यम ना माने। ये कम से कम फेक मीडिया हंड्रेड्स को भी मैं बता दूं जो एक 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 फेक एक सोशल मीडिया आर्मी सुबह से लगी है ऐसे प्रमोट और प्रोजेक्ट करने पर। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 2000 हेक्टेयर से ऊपर एक जो जमीन मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर जितेंद्र सिंह जी के नाम थी, और वो सारी की सारी जमीन कभी डिक्लेयर्ड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के तहत और फिर उसके बाद एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत। अब एक छोटी सी एक पीस ऑफ लैंड जो मेरे फादर के पास, मेरे पास वही है। अपने इस एमएलएशिप के कार्यकाल में एक इंच जमीन, कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने उसको ऐड नहीं की, लेकिन इनको कोई इशू नहीं, मुद्दा नहीं, इनको कुछ मिल रहा बेचारों, क्या करें। तो अब ये मिलकर एक साजिश और तमाशा कर रहे हैं, लेकिन डीडीसी खून और विशेषकर रामनगर और उधमपुर के लोग आने वाले डीडीसी चुनाव में इस शरारत, इस साजिश और इस, मैं बोलूंगा, ओछी हरकत और ओछी राजनीति का करारा जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका सुपड़ा साफ इससे बताता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग अपनी हार देख चुके हैं। अब ये छोटी छोटी शरारतें और छोटी छोटी हिमाकतें करके कोशिश कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन इन्हें मुंह की खाने पड़ेगी। और एक छोटी सी सलाह है, अपने वकीलों से आज ही ओपिनियन ले लें, क्योंकि आप सबको इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जवाब देनी होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर योर ऑल एक्ट्स एंड ओमिशन विच यू हैव डन, ड्रिवन बाय अ मैड एडवेंचर ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्ट नेक फॉर मी। धन्यवाद।